तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को देखना पसंद करते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू हम देने वाले हैं। आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी ने किया था। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सबसे पहले डायरेक्टर की बात कर लेते हैं तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को डायरेक्ट किया है किम योंग हवा ने और स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है किम योंग हवा ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को किम योंग हवा ने, वॉन डोंग योन ने, किम हो संग ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में हा युन वू और चा ताई ह्यून, यू जिन हून, किम यांग गी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है किम ब्योंग सियो ने और एडिट किया है इस मूवी को किम हाई जिन ने, जिनो किम ने, नैम ना यंग ने। म्यूजिक किया है अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बैन जन सियोक ने और प्रोडक्शन कंपनीज इस मूवी के रियलाइज पिक्चर्स, डेक्स्टर स्टूडियोज़ और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को लॉटे एंटरटेनमेंट ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का 20 दिसंबर 2017 और रनिंग टाइम है इस मूवी का 140 मिनट्स। बजट की बात करें इस मूवी को 18.3 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 109.4 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। उसके आगे बात करें इस मूवी के कास्ट की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में प्ले किया है। सबसे पहले लीडिंग रोल में जो मेन एक्ट्रेस हैं उनमें हा जुंग वू ने गैंग रिम का करैक्टर प्ले किया है, सा ताई ह्यून ने किम जा होंग का करैक्टर प्ले किया है, जू जी हून ने हाई वॉन मार्क का करैक्टर प्ले किया है, किम ह्यांग गी ने ली ड्योक च्यून का करैक्टर प्ले किया है इस मूवी में। सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में किम डोंग वूक देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि किम सू होंग का करैक्टर इस मूवी में प्ले किया है, दो क्यूंग सॉ ने प्राइवेट वॉन डोंग जियोन का करैक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के जॉनर की तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी एक फैंटेसी एक्शन फिल्म है और यह मूवी साउथ कोरियन की मूवी है। ओरिजिनल लैंग्वेज इस मूवी का कोरियन है लेकिन आपको यह मूवी काफ़ी डब्ड वर्जन्स में भी देखने को मिल जाएगी। और आपको बता दें कि इस मूवी का सीक्वल 2019 में शेड्यूल हुआ था लेकिन 2018 में रिलीज़ हो गया था, जिसका नेम अलॉन्ग विद द गॉड्स द लास्ट 49 डेज मूवी है, वो इस मूवी का सीक्वल है। और आपको बता दें कि यह मूवी अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है साउथ कोरियन की सिनेमा हिस्ट्री में। इसके आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को 7.2
आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है IMDb पर और लगभग 17,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को IMDb पर। उसके आगे बात करें कि इस मूवी कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो, सो इस मूवी को आप काफ़ी OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो, जैसे कि Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और इस मूवी को आप Apple TV पर भी देख सकते हो। सो इन OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ज़रूर से देख लेना, आपको काफ़ी पसंद यह मूवी आएगी। और आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़, मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को देखना पसंद करते हैं, सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू हम देने वाले हैं, आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी ने किया था। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सबसे पहले डायरेक्टर की बात कर लेते हैं तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को डायरेक्ट किया है किम योंग हवा ने और स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है किम योंग हवा ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को किम योंग हवा ने, वॉन डोंग योन ने, किम हो संग ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में हा युन वू और चा ताई ह्यून, यू जिन हून, किम यांग गी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है किम ब्योंग सियो ने और एडिट किया है इस मूवी को किम हाई जिन ने, जिनो किम ने, नैम ना यंग ने। म्यूज़िक किया है अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बैन जन सियोक ने और प्रोडक्शन कंपनीज इस मूवी के रियलाइज पिक्चर्स, डेक्स्टर स्टूडियोज़ और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को लॉटे एंटरटेनमेंट ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का 20 दिसंबर 2017 और रनिंग टाइम इस मूवी का 140 मिनट्स। बजट की बात करें इस मूवी को $18.3 मिलियन के बजट में बनाया गया था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $109.4 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। उसके आगे बात करें इस मूवी के कास्ट की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में प्ले किया है। सबसे पहले लीडिंग रोल में जो मेन एक्ट्रेस हैं उनमें हा जुंग वू ने गैंग रिम का करैक्टर प्ले किया है, सा ताई ह्यून ने किम जा होंग का करैक्टर प्ले किया है, जू जी हून ने हाई वॉन मार्क का करैक्टर प्ले किया है, किम ह्यांग गी ने ली ड्योक च्यून का करैक्टर प्ले किया है इस मूवी में। सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में किम डोंग वूक देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कि किम सू होंग का करैक्टर इस मूवी में प्ले किया है, दो क्यूंग सॉ ने प्राइवेट वॉन डोंग जियोन का करैक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के जॉनर की तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी एक फैंटेसी एक्शन फिल्म है और यह मूवी साउथ कोरियन की मूवी है। ओरिजिनल लैंग्वेज इस मूवी का कोरियन है,
लेकिन आपको यह मूवी काफ़ी डब्ड वर्जन्स में भी देखने को मिल जाएगी। और आपको बता दें कि इस मूवी का सीक्वल 2019 में शेड्यूल हुआ था, लेकिन 2018 में रिलीज़ हो गया था, जिसका नेम अलॉन्ग विद द गॉड्स द लास्ट 49 डेज मूवी है, वो इस मूवी का सीक्वल है। और आपको बता दें कि यह मूवी अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है साउथ कोरियन की सिनेमा हिस्ट्री में। इसके आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को 7.2 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है आईएमडीबी पर, और लगभग 17,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को आईएमडीबी पर। उसके आगे बात करें कि इस मूवी कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो, सो इस मूवी को आप काफ़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो, जैसे कि अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और इस मूवी को आप एप्पल टीवी पर भी देख सकते हो। सो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ज़रूर से देख लेना, आपको काफ़ी पसंद यह मूवी आएगी। और आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को देखना पसंद करते हैं, सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू हम देने वाले हैं, आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी ने किया था। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सबसे पहले डायरेक्टर की बात कर लेते हैं तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को डायरेक्ट किया है किम योंग हवा ने, और स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है किम योंग हवा ने, और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को किम योंग हवा ने, वॉन डोंग योन ने, किम हो संग ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में हा युन वू और चा ताई ह्यून, यू जिन हून, किम यांग गी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमेटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी में सिनेमेटोग्राफी की है किम ब्योंग सियो ने, और एडिट किया है इस मूवी को किम हाई जिन ने, जिनो किम ने, नैम ना यंग ने। म्यूजिक किया है अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बैन जन सियोक ने, और प्रोडक्शन कंपनीज इस मूवी के रियलाइज पिक्चर्स, डेक्स्टर स्टूडियोज़, और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को लॉटे एंटरटेनमेंट ने, और रिलीजिंग डेट इस मूवी का 20 दिसंबर 2017, और रनिंग टाइम है इस मूवी का 140 मिनट्स। बजट की बात करें इस मूवी को $18.3 मिलियन के बजट में बनाया गया था, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $109.4 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। उसके आगे बात करें इस मूवी के कास्ट की कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर इस मूवी में प्ले किया है। सबसे पहले लीडिंग रोल में जो मेन एक्ट्रेस हैं उनमें हा जुंग वू ने गैंग रिम का कैरेक्टर प्ले किया है, सा ताई ह्यून ने किम जा होंग का कैरेक्टर प्ले किया है, जू जी हून ने
हाई वॉन मार्क का करेक्टर प्ले किया है, किम ह्यांग गी ने ली ड्योक चून का करेक्टर प्ले किया है इस मूवी में। सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में किम डोंग वूक देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि किम सू होंग का करेक्टर इस मूवी में प्ले किया है। दो क्यूंग सॉ ने प्राइवेट वॉन डोंग जियोन का करेक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के जॉनर की तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी एक फैंटेसी एक्शन फिल्म है और यह मूवी साउथ कोरिया की मूवी है। ओरिजिनल लैंग्वेज इस मूवी का कोरियन है, लेकिन आपको यह मूवी काफ़ी डब्ड वर्जन्स में भी देखने को मिल जाएगी। और आपको बता दें कि इस मूवी का सीक्वल 2019 में शेड्यूल हुआ था, लेकिन 2018 में रिलीज़ हो गया था, जिसका नेम अलॉन्ग विद द गॉड्स द लास्ट 49 डेज मूवी है, वो इस मूवी का सीक्वल है। और आपको बता दें कि यह मूवी अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है साउथ कोरियन की सिनेमा हिस्ट्री में। इसके आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को 7.2 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है आईएमडीबी पर, और लगभग 17,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को आईएमडीबी पर। उसके आगे बात करें कि इस मूवी कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो, सो इस मूवी को आप काफ़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो, जैसे कि अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और इस मूवी को आप एप्पल टीवी पर भी देख सकते हो। सो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ज़रूर से देख लेना, आपको काफ़ी पसंद यह मूवी आएगी। और आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को देखना पसंद करते हैं, सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू हम देने वाले हैं, आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी ने किया था। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सबसे पहले डायरेक्टर की बात कर लेते हैं तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को डायरेक्ट किया है किम योंग हवा ने, और स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है किम योंग हवा ने, और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को किम योंग हवा ने, वॉन डोंग योन ने, किम हो संग ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में हा युन वू और चा ताई ह्यून, यू जिन हून, किम यांग गी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है किम ब्योंग सियो ने, और एडिट किया है इस मूवी को किम हाई जिन ने, जिनो किम ने, नैम ना यंग ने। म्यूजिक किया है अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बैन जन सियोक ने, और प्रोडक्शन कंपनीज इस मूवी के रियलाइज पिक्चर्स, डेक्स्टर स्टूडियोज़, और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को लॉटे एंटरटेनमेंट ने, और रिलीजिंग डेट इस मूवी का 20 दिसंबर 2017
और रनिंग टाइम है इस मूवी का 140 मिनट्स। बजट की बात करें, इस मूवी को 18.3 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 109.4 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। उसके आगे बात करें इस मूवी के कास्ट की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में प्ले किया है। सबसे पहले लीडिंग रोल में जो मेन एक्ट्रेस हैं उनमें हा जुंग वू ने गैंग रिम का करैक्टर प्ले किया है, सा ताई ह्यून ने किम जा होंग का करैक्टर प्ले किया है, जू जी हून ने हाई वॉन मार्क का करैक्टर प्ले किया है, किम ह्यांग गी ने ली ड्योक च्यून का करैक्टर प्ले किया है इस मूवी में। सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में किम डोंग वूक देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि किम सू होंग का करैक्टर इस मूवी में प्ले किया है। दो क्यूंग सॉ ने प्राइवेट वॉन डोंग जियोन का करैक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के जॉनर की तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी एक फैंटेसी एक्शन फिल्म है और यह मूवी साउथ कोरिया की मूवी है। ओरिजिनल लैंग्वेज इस मूवी का कोरियन है, लेकिन आपको यह मूवी काफ़ी डब्ड वर्जन्स में भी देखने को मिल जाएगी। और आपको बता दें कि इस मूवी का सीक्वल 2019 में शेड्यूल हुआ था, लेकिन 2018 में रिलीज़ हो गया था, जिसका नेम अलॉन्ग विद द गॉड्स द लास्ट 49 डेज मूवी है, वो इस मूवी का सीक्वल है। और आपको बता दें कि यह मूवी अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है साउथ कोरियन की सिनेमा हिस्ट्री में। इसके आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को 7.2 out of 10 का रेटिंग मिला है आईएमडीबी पर और लगभग 17,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को आईएमडीबी पर। उसके आगे बात करें कि इस मूवी कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो, सो इस मूवी को आप काफ़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो, जैसे कि अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो और इस मूवी को आप एप्पल टीवी पर भी देख सकते हो। सो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ज़रूर से देख लेना, आपको काफ़ी पसंद यह मूवी आएगी। और आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को देखना पसंद करते हैं, सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू हम देने वाले हैं, आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी ने किया था। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सबसे पहले डायरेक्टर की बात कर लेते हैं तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को डायरेक्ट किया है किम योंग हवा ने और स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है किम योंग हवा ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को किम योंग हवा ने, वॉन डोंग योन ने, किम हो संग ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में हा युन वू और चा ताई ह्यून, यू जिन हून,
किम यांग गी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमेटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी में सिनेमेटोग्राफी की है किम ब्योंग सियो ने और एडिट किया है इस मूवी को किम हाई जिन ने, जिनो किम ने, नैम ना यंग ने। म्यूजिक किया है अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बैन जन सियोक ने और प्रोडक्शन कंपनीज इस मूवी के रियलाइज पिक्चर्स डेक्स्टर स्टूडियोज और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को लॉटे एंटरटेनमेंट ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का 20 दिसंबर 2017 और रनिंग टाइम इस मूवी का 140 मिनट्स। बजट की बात करें इस मूवी के 18.3 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 109.4 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। उसके आगे बात करें इस मूवी के कास्ट की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में प्ले किया है। सबसे पहले लीडिंग रोल में जो मेन एक्ट्रेस हैं उनमें हा जुंग वू ने गैंग रिम का करैक्टर प्ले किया है, सा ताई ह्यून ने किम जा होंग का करैक्टर प्ले किया है, जू जी हून ने हाई वॉन मार्क का करैक्टर प्ले किया है, किम ह्यांग गी ने ली ड्योक चून का करैक्टर प्ले किया है इस मूवी में। सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में किम डोंग वूक देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कि किम सू होंग का करैक्टर इस मूवी में प्ले किया है, दो क्यूंग सॉ ने प्राइवेट वॉन डोंग जियोन का करैक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के जॉनर की तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी एक फैंटेसी एक्शन फिल्म है और यह मूवी साउथ कोरिया की मूवी है। ओरिजिनल लैंग्वेज इस मूवी का कोरियन है लेकिन आपको यह मूवी काफ़ी डब्ड वर्जन्स में भी देखने को मिल जाएगी। और आपको बता दें कि इस मूवी का सीक्वल 2019 में शेड्यूल हुआ था लेकिन 2018 में रिलीज़ हो गया था जिसका नेम अलॉन्ग विद द गॉड्स द लास्ट 49 डेज मूवी है, वो इस मूवी का सीक्वल है। और आपको बता दें कि यह मूवी अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है साउथ कोरियन की सिनेमा हिस्ट्री में। इसके आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को 7.2 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है आईएमडीबी पर और लगभग 17,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को आईएमडीबी पर। उसके आगे बात करें कि इस मूवी कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप काफ़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो जैसे कि अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो और इस मूवी को आप एप्पल टीवी पर भी देख सकते हो। सो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ज़रूर से देख लेना, आपको काफ़ी पसंद यह मूवी आएगी। और आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू हम देने वाले हैं, आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को बनाया है,
किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ड्स मूवी ने किया था। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सबसे पहले डायरेक्टर की बात कर लेते हैं, तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को डायरेक्ट किया है किम योंग हवा ने, और स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है किम योंग हवा ने, और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को किम योंग हवा ने, वॉन डोंग योन ने, किम हो संग ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में हा युन वू और चा ताई ह्यून, यू जिन हून, किम यांग गी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेते हैं, तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है किम बियोंग सियो ने, और एडिट किया है इस मूवी को किम हाई जिन ने, जिनो किम ने, नैम ना यंग ने। म्यूज़िक किया है अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बैन जन सियोक ने, और प्रोडक्शन कंपनीज इस मूवी के रियलाइज पिक्चर्स डेक्स्टर स्टूडियोज़, और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को लॉटे एंटरटेनमेंट ने, और रिलीजिंग डेट इस मूवी का 20 दिसंबर 2017, और रनिंग टाइम है इस मूवी का 140 मिनट्स। बजट की बात करें इस मूवी को 18.3 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 109.4 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। उसके आगे बात करें इस मूवी के कास्ट की, कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर इस मूवी में प्ले किया है। सबसे पहले लीडिंग रोल में जो मेन एक्ट्रेस हैं उनमें हा जुंग वू ने गैंग रिम का करेक्टर प्ले किया है, सा ताई ह्यून ने किम जा होंग का करेक्टर प्ले किया है, जू जी हून ने हाई वॉन मार्क का करेक्टर प्ले किया है, किम ह्यांग गी ने ली ड्योक चून का करेक्टर प्ले किया है इस मूवी में। सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में किम डोंग वूक देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि किम सू होंग का करैक्टर इस मूवी में प्ले किया है, दो क्यूंग सॉ ने प्राइवेट वॉन डोंग जियोन का करैक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के जॉनर की, तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी एक फैंटेसी एक्शन फिल्म है, और यह मूवी साउथ कोरिया की मूवी है। ओरिजिनल लैंग्वेज इस मूवी का कोरियन है, लेकिन आपको यह मूवी काफ़ी डब्ड वर्जन्स में भी देखने को मिल जाएगी। और आपको बता दें कि इस मूवी का सीक्वल 2019 में शेड्यूल हुआ था, लेकिन 2018 में रिलीज़ हो गया था, जिसका नेम अलॉन्ग विद द गॉड्स द लास्ट 49 डेज मूवी है, वो इस मूवी का सीक्वल है। और आपको बता दें कि यह मूवी अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है साउथ कोरियन की सिनेमा हिस्ट्री में। इसके आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को 7.2 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है आईएमडीबी पर, और लगभग 17,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को आईएमडीबी पर। उसके आगे बात करें कि इस मूवी कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो, सो इस मूवी को आप काफ़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो, जैसे कि अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और इस मूवी को आप एप्पल टीवी पर भी देख सकते हो। सो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ज़रूर से देख लेना, आपको काफ़ी पसंद यह मूवी आएगी। और आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो अलॉन्ग विद द गॉड्स
द टू वर्ल्ड्स मूवी को देखना पसंद करते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू हम देने वाले हैं, आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी ने किया था। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सबसे पहले डायरेक्टर की बात कर लेते हैं तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को डायरेक्ट किया है किम योंग हवा ने और स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है किम योंग हवा ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को किम योंग हवा ने, वॉन डोंग योन ने, किम हो संग ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में हा युन वू और चा ताई ह्यून, यू जिन हून, किम यांग गी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है किम ब्योंग सियो ने और एडिट किया है इस मूवी को किम हाई जिन ने, जिनो किम ने, नैम ना यंग ने। म्यूज़िक किया है अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बैन जन सियोक ने और प्रोडक्शन कंपनीज इस मूवी के रियलाइज पिक्चर्स, डेक्स्टर स्टूडियोज़ और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को लॉटे एंटरटेनमेंट ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का 20 दिसंबर 2017 और रनिंग टाइम इस मूवी का 140 मिनट्स। बजट की बात करें इस मूवी को 18.3 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 109.4 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। उसके आगे बात करें इस मूवी के कास्ट की कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर इस मूवी में प्ले किया है। सबसे पहले लीडिंग रोल में जो मेन एक्ट्रेस हैं उनमें हा जुंग वू ने गैंग रिम का करेक्टर प्ले किया है, सा ताई ह्यून ने किम जा होंग का करेक्टर प्ले किया है, जू जी हून ने हाई वॉन मार्क का करेक्टर प्ले किया है, किम ह्यांग गी ने ली ड्योक च्यून का करेक्टर प्ले किया है इस मूवी में। सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में किम डोंग वूक देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कि किम सू होंग का करेक्टर इस मूवी में प्ले किया है, दो क्यूंग सॉ ने प्राइवेट वॉन डोंग जियोन का करेक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के जॉनर की तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी एक फैंटेसी एक्शन फिल्म है और यह मूवी साउथ कोरिया की मूवी है। ओरिजिनल लैंग्वेज इस मूवी का कोरियन है लेकिन आपको यह मूवी काफ़ी डब्ड वर्जन्स में भी देखने को मिल जाएगी। और आपको बता दें कि इस मूवी का सीक्वल 2019 में शेड्यूल हुआ था लेकिन 2018 में रिलीज़ हो गया था जिसका नेम अलॉन्ग विद द गॉड्स द लास्ट 49 डेज मूवी है, वो इस मूवी का सीक्वल है। और आपको बता दें कि यह मूवी अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है साउथ कोरियन की सिनेमा हिस्ट्री में। इसके आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को 7.2 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है आईएमडीबी पर और लगभग 17,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को आईएमडीबी पर। उसके आगे बात करें कि इस मूवी कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो
सो इस मूवी को आप काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो, जैसे कि अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और इस मूवी को आप एप्पल टीवी पर भी देख सकते हो। सो इन ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ज़रूर से देख लेना, आपको काफ़ी पसंद यह मूवी आएगी। और आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़, मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को देखना पसंद करते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू हम देने वाले हैं, आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी ने किया था। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सबसे पहले डायरेक्टर की बात कर लेते हैं तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को डायरेक्ट किया है किम योंग हवा ने, और स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है किम योंग हवा ने, और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को किम योंग हवा ने, वॉन डोंग योन ने, किम हो संग ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में हा युन वू और चा ताई ह्यून, यू जिन हून, किम यांग गी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमेटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी में सिनेमेटोग्राफी की है किम ब्योंग सियो ने, और एडिट किया है इस मूवी को किम हाई जिन ने, जिनो किम ने, नैम ना यंग ने। म्यूजिक किया है अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बैन जन सियोक ने, और प्रोडक्शन कंपनीज इस मूवी के रियलाइज पिक्चर्स, डेक्स्टर स्टूडियोज़, और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को लॉटे एंटरटेनमेंट ने, और रिलीजिंग डेट इस मूवी का 20 दिसंबर 2017, और रनिंग टाइम है इस मूवी का 140 मिनट्स। बजट की बात करें इस मूवी को 18.3 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 109.4 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। उसके आगे बात करें इस मूवी के कास्ट की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में प्ले किया है। सबसे पहले लीडिंग रोल में जो मेन एक्ट्रेस हैं उनमें हा जुंग वू ने गैंग रिम का करैक्टर प्ले किया है, सा ताई ह्यून ने किम जा होंग का करैक्टर प्ले किया है, जू जी हून ने हाई वॉन मार्क का करैक्टर प्ले किया है, किम ह्यांग गी ने ली ड्योक चून का करैक्टर प्ले किया है इस मूवी में। सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में किम डोंग वूक देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि किम सू होंग का करैक्टर इस मूवी में प्ले किया है, दो क्यूंग सॉ ने प्राइवेट वॉन डोंग जियोन का करैक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के जॉनर की तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी एक फैंटेसी एक्शन फिल्म है, और यह मूवी साउथ कोरिया की मूवी है। ओरिजिनल लैंग्वेज इस मूवी का कोरियन है, लेकिन आपको यह मूवी काफ़ी डब्ड वर्जन्स में भी देखने को मिल जाएगी। और आपको बता दें कि इस मूवी का सीक्वल 2019 में शेड्यूल हुआ था,
लेकिन 2018 में रिलीज़ हो गया था, जिसका नेम अलॉन्ग विद द गॉड्स द लास्ट 49 डेज मूवी है, वो इस मूवी का सीक्वल है। और आपको बता दें कि यह मूवी अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है साउथ कोरियन की सिनेमा हिस्ट्री में। इसके आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को 7.2 out of 10 का रेटिंग मिला है आईएमडीबी पर, और लगभग 17,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को आईएमडीबी पर। उसके आगे बात करें कि इस मूवी कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो, सो इस मूवी को आप काफ़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो, जैसे कि अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और इस मूवी को आप एप्पल टीवी पर भी देख सकते हो। सो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ज़रूर से देख लेना, आपको काफ़ी पसंद यह मूवी आएगी। और आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को देखना पसंद करते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू हम देने वाले हैं, आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी ने किया था। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सबसे पहले डायरेक्टर की बात कर लेते हैं तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को डायरेक्ट किया है किम योंग हवा ने, और स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है किम योंग हवा ने, और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को किम योंग हवा ने, वॉन डोंग योन ने, किम हो संग ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में हा युन वू और चा ताई ह्यून, यू जिन हून, किम यांग गी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है किम ब्योंग सियो ने, और एडिट किया है इस मूवी को किम हाई जिन ने, जिनो किम ने, नैम ना यंग ने। म्यूजिक किया है अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बैन जन सियोक ने, और प्रोडक्शन कंपनीज इस मूवी के रियलाइज पिक्चर्स, डेक्स्टर स्टूडियोज, और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को लॉटे एंटरटेनमेंट ने, और रिलीजिंग डेट इस मूवी का 20 दिसंबर 2017, और रनिंग टाइम है इस मूवी का 140 मिनट्स। बजट की बात करें इस मूवी को $18.3 मिलियन के बजट में बनाया गया था, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $109.4 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। उसके आगे बात करें इस मूवी के कास्ट की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में प्ले किया है। सबसे पहले लीडिंग रोल में जो मेन एक्ट्रेस हैं उनमें हा जुंग वू ने गैंग रिम का करैक्टर प्ले किया है, सा ताई ह्यून ने किम जा होंग का करैक्टर प्ले किया है, जू जी हून ने हाई वॉन मार्क का करैक्टर प्ले किया है, किम ह्यांग गी ने ली ड्योक च्यून का करैक्टर प्ले किया है इस मूवी में। सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में किम डोंग वूक देखने को मिल जाते हैं,
जिन्होंने कि किम सू होंग का करेक्टर इस मूवी में प्ले किया है। डॉ क्यूंग सॉ ने प्राइवेट वॉन डोंग जियोन का करेक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के जॉनर की, तो अलोंग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी एक फैंटेसी एक्शन फिल्म है और यह मूवी साउथ कोरिया की मूवी है। ओरिजिनल लैंग्वेज इस मूवी का कोरियन है, लेकिन आपको यह मूवी काफ़ी डब्ड वर्जन्स में भी देखने को मिल जाएगी। और आपको बता दें कि इस मूवी का सीक्वल 2019 में शेड्यूल हुआ था, लेकिन 2018 में रिलीज़ हो गया था, जिसका नेम अलॉन्ग विद द गॉड्स द लास्ट 49 डेज मूवी है, वो इस मूवी का सीक्वल है। और आपको बता दें कि यह मूवी अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है साउथ कोरियन की सिनेमा हिस्ट्री में। इसके आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को 7.2 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है आईएमडीबी पर, और लगभग 17,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को आईएमडीबी पर। उसके आगे बात करें कि इस मूवी कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो, सो इस मूवी को आप काफ़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो, जैसे कि अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और इस मूवी को आप एप्पल टीवी पर भी देख सकते हो। सो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ज़रूर से देख लेना, आपको काफ़ी पसंद यह मूवी आएगी। और आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को देखना पसंद करते हैं, सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू हम देने वाले हैं, आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी ने किया था। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सबसे पहले डायरेक्टर की बात कर लेते हैं, तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को डायरेक्ट किया है किम योंग हवा ने, और स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है किम योंग हवा ने, और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को किम योंग हवा ने, वॉन डोंग योन ने, किम हो संग ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में हा युन वू और चा ताई ह्यून, यू जिन हून, किम यांग गी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमेटोग्राफी की बात कर लेते हैं, तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी में सिनेमेटोग्राफी की है किम ब्योंग सियो ने, और एडिट किया है इस मूवी को किम हाई जिन ने, जिनो किम ने, नैम ना यंग ने। म्यूज़िक किया है अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बैन जन सियोक ने, और प्रोडक्शन कंपनीज इस मूवी के रियलाइज पिक्चर्स डेक्स्टर स्टूडियोज, और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को लॉटे एंटरटेनमेंट ने, और रिलीजिंग डेट इस मूवी का 20 दिसंबर 2017, और रनिंग टाइम इस मूवी का 140 मिनट्स। बजट की बात करें, इस मूवी को 18.3 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
$109.4 million का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। उसके आगे बात करें इस मूवी के कास्ट की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में प्ले किया है। सबसे पहले लीडिंग रोल में जो मेन एक्ट्रेस हैं उनमें हा जुंग वू ने गैंग रिम का करैक्टर प्ले किया है, सा ताई ह्यून ने किम जा होंग का करैक्टर प्ले किया है, जू जी हून ने हाई वॉन मार्क का करैक्टर प्ले किया है, किम ह्यांग गी ने ली ड्योक चून का करैक्टर प्ले किया है इस मूवी में। सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में किम डोंग वूक देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि किम सू होंग का करैक्टर इस मूवी में प्ले किया है। दो क्यूंग सॉ ने प्राइवेट वॉन डोंग जियोन का करैक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के जॉनर की तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी एक फैंटेसी एक्शन फिल्म है और यह मूवी साउथ कोरिया की मूवी है। ओरिजिनल लैंग्वेज इस मूवी का कोरियन है, लेकिन आपको यह मूवी काफ़ी डब्ड वर्जन्स में भी देखने को मिल जाएगी। और आपको बता दें कि इस मूवी का सीक्वल 2019 में शेड्यूल हुआ था, लेकिन 2018 में रिलीज़ हो गया था, जिसका नेम अलॉन्ग विद द गॉड्स द लास्ट 49 डेज मूवी है, वो इस मूवी का सीक्वल है। और आपको बता दें कि यह मूवी अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है साउथ कोरियन की सिनेमा हिस्ट्री में। इसके आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को 7.2 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है आईएमडीबी पर, और लगभग 17,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को आईएमडीबी पर। उसके आगे बात करें कि इस मूवी कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो, सो इस मूवी को आप काफ़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो, जैसे कि अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और इस मूवी को आप एप्पल टीवी पर भी देख सकते हो। सो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ज़रूर से देख लेना, आपको काफ़ी पसंद यह मूवी आएगी। और आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को देखना पसंद करते हैं, सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू हम देने वाले हैं, आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी ने किया था। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सबसे पहले डायरेक्टर की बात कर लेते हैं तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को डायरेक्ट किया है किम योंग हवा ने, और स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है किम योंग हवा ने, और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को किम योंग हवा ने, वॉन डोंग योन ने, किम हो संग ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में हा युन वू और चा ताई ह्यून, यू जिन हून, किम यांग गी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है किम ब्योंग
सीओ ने और एडिट किया है इस मूवी को किम हाई जिन ने, जिनो किम ने, नैम ना यंग ने। म्यूज़िक किया है अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बैन जन सियोक ने और प्रोडक्शन कंपनीज इस मूवी के रियलाइज पिक्चर्स डेक्स्टर स्टूडियोज़ और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को लॉटे एंटरटेनमेंट ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का 20 दिसंबर 2017 और रनिंग टाइम है इस मूवी का 140 मिनट्स। बजट की बात करें इस मूवी को 18.3 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 109.4 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। उसके आगे बात करें इस मूवी के कास्ट की कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर इस मूवी में प्ले किया है। सबसे पहले लीडिंग रोल में जो मेन एक्ट्रेस हैं उनमें हा जुंग वू ने गैंग रिम का करेक्टर प्ले किया है, सा ताई ह्यून ने किम जा होंग का करेक्टर प्ले किया है, जू जी हून ने हाई वॉन मार्क का करेक्टर प्ले किया है, किम ह्यांग गी ने ली ड्योक च्यून का करेक्टर प्ले किया है इस मूवी में। सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में किम डोंग वूक देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कि किम सू होंग का करेक्टर इस मूवी में प्ले किया है, दो क्यूंग सॉ ने प्राइवेट वॉन डोंग जियोन का करेक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के जॉनर की तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी एक फैंटेसी एक्शन फिल्म है और यह मूवी साउथ कोरिया की मूवी है। ओरिजिनल लैंग्वेज इस मूवी का कोरियन है लेकिन आपको यह मूवी काफ़ी डब्ड वर्जन्स में भी देखने को मिल जाएगी। और आपको बता दें कि इस मूवी का सीक्वल 2019 में शेड्यूल हुआ था लेकिन 2018 में रिलीज़ हो गया था जिसका नेम अलॉन्ग विद द गॉड्स द लास्ट 49 डेज मूवी है, वो इस मूवी का सीक्वल है। और आपको बता दें कि यह मूवी अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है साउथ कोरियन की सिनेमा हिस्ट्री में। इसके आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को 7.2 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है आईएमडीबी पर और लगभग 17,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को आईएमडीबी पर। उसके आगे बात करें कि इस मूवी कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप काफ़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो जैसे कि अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो और इस मूवी को आप एप्पल टीवी पर भी देख सकते हो। सो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ज़रूर से देख लेना, आपको काफ़ी पसंद यह मूवी आएगी। और आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू हम देने वाले हैं, आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी ने किया था। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो।
सबसे पहले डायरेक्टर की बात कर लेते हैं तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को डायरेक्ट किया है किम योंग हवा ने और स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है किम योंग हवा ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को किम योंग हवा ने, वॉन डोंग योन ने, किम हो संग ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में हा युन वू और चा ताई ह्यून, यू जिन हून, किम यांग गी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है किम ब्योंग सियो ने और एडिट किया है इस मूवी को किम हाई जिन ने, जिनो किम ने, नैम ना यंग ने। म्यूज़िक किया है अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बैन जन सियोक ने और प्रोडक्शन कंपनीज इस मूवी के रियलाइज पिक्चर्स डेक्स्टर स्टूडियोज़ और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को लॉटे एंटरटेनमेंट ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का 20 दिसंबर 2017 और रनिंग टाइम है इस मूवी का 140 मिनट्स। बजट की बात करें इस मूवी को 18.3 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 109.4 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। उसके आगे बात करें इस मूवी के कास्ट की कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर इस मूवी में प्ले किया है। सबसे पहले लीडिंग रोल में जो मेन एक्ट्रेस हैं उनमें हा जुंग वू ने गैंग रिम का करेक्टर प्ले किया है, सा ताई ह्यून ने किम जा होंग का करेक्टर प्ले किया है, जू जी हून ने हाई वॉन मार्क का करेक्टर प्ले किया है, किम ह्यांग गी ने ली ड्योक च्यून का करेक्टर प्ले किया है इस मूवी में। सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में किम डोंग वूक देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कि किम सू होंग का करेक्टर इस मूवी में प्ले किया है, दो क्यूंग सॉ ने प्राइवेट वॉन डोंग जियोन का करेक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के जॉनर की तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी एक फैंटेसी एक्शन फिल्म है और यह मूवी साउथ कोरिया की मूवी है। ओरिजिनल लैंग्वेज इस मूवी का कोरियन है लेकिन आपको यह मूवी काफ़ी डब्ड वर्जन्स में भी देखने को मिल जाएगी। और आपको बता दें कि इस मूवी का सीक्वल 2019 में शेड्यूल हुआ था लेकिन 2018 में रिलीज़ हो गया था जिसका नेम अलॉन्ग विद द गॉड्स द लास्ट 49 डेज मूवी है, वो इस मूवी का सीक्वल है। और आपको बता दें कि यह मूवी अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है साउथ कोरियन की सिनेमा हिस्ट्री में। इसके आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को 7.2 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है आईएमडीबी पर और लगभग 17,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को आईएमडीबी पर। उसके आगे बात करें कि इस मूवी कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप काफ़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो जैसे कि अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो और इस मूवी को आप एप्पल टीवी पर भी देख सकते हो। सो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ज़रूर से देख लेना, आपको काफ़ी पसंद यह मूवी आएगी। और आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़
एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू हम देने वाले हैं। आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी ने किया था। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सबसे पहले डायरेक्टर की बात कर लेते हैं, तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को डायरेक्ट किया है किम योंग हवा ने, और स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है किम योंग हवा ने, और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को किम योंग हवा ने, वॉन डोंग योन ने, किम हो संग ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में हा युन वू और चा ताई ह्यून, यू जिन हून, किम यांग गी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमेटोग्राफी की बात कर लेते हैं, तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी में सिनेमेटोग्राफी की है किम ब्योंग सियो ने, और एडिट किया है इस मूवी को किम हाई जिन ने, जिनो किम ने, नैम ना यंग ने। म्यूजिक किया है अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बैन जन सियोक ने, और प्रोडक्शन कंपनीज इस मूवी के रियलाइज पिक्चर्स, डेक्स्टर स्टूडियोज, और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को लॉटे एंटरटेनमेंट ने, और रिलीजिंग डेट इस मूवी का 20 दिसंबर 2017, और रनिंग टाइम है इस मूवी का 140 मिनट्स। बजट की बात करें इस मूवी को $18.3 मिलियन के बजट में बनाया गया था, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $109.4 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। उसके आगे बात करें इस मूवी के कास्ट की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में प्ले किया है। सबसे पहले लीडिंग रोल में जो मेन एक्ट्रेस हैं उनमें हा जुंग वू ने गैंग रिम का करैक्टर प्ले किया है, सा ताई ह्यून ने किम जा होंग का करैक्टर प्ले किया है, जू जी हून ने हाई वॉन मार्क का करैक्टर प्ले किया है, किम ह्यांग गी ने ली ड्योक चून का करैक्टर प्ले किया है इस मूवी में। सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में किम डोंग वूक देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि किम सू होंग का करैक्टर इस मूवी में प्ले किया है, दो क्यूंग सॉ ने प्राइवेट वॉन डोंग जियोन का करैक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के जॉनर की, तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी एक फैंटेसी एक्शन फिल्म है, और यह मूवी साउथ कोरिया की मूवी है। ओरिजिनल लैंग्वेज इस मूवी का कोरियन है, लेकिन आपको यह मूवी काफ़ी डब्ड वर्जन्स में भी देखने को मिल जाएगी। और आपको बता दें कि इस मूवी का सीक्वल 2019 में शेड्यूल हुआ था, लेकिन 2018 में रिलीज़ हो गया था, जिसका नेम अलॉन्ग विद द गॉड्स द लास्ट 49 डेज मूवी है, वो इस मूवी का सीक्वल है। और आपको बता दें कि यह मूवी अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है साउथ कोरियन की सिनेमा हिस्ट्री में। इसके आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को 7.2 out of 10 का रेटिंग मिला है आईएमडीबी पर, और लगभग 17,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को आईएमडीबी पर। उसके आगे बात करें कि इस मूवी कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो, सो इस मूवी को आप काफ़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो, जैसे कि अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और इस मूवी को आप एप्पल टीवी पर भी देख सकते हो। सो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ज़रूर से देख लेना, आपको काफ़ी पसंद यह मूवी आएगी।
और आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को देखना पसंद करते हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू हम देने वाले हैं। आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी ने किया था। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सबसे पहले डायरेक्टर की बात कर लेते हैं तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को डायरेक्ट किया है किम योंग हवा ने और स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है किम योंग हवा ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को किम योंग हवा ने, वॉन डोंग योन ने, किम हो संग ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में हा युन वू और चा ताई ह्यून, यू जिन हून, किम यांग गी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमेटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी में सिनेमेटोग्राफी की है किम ब्योंग सियो ने और एडिट किया है इस मूवी को किम हाई जिन ने, जिनो किम ने, नैम ना यंग ने। म्यूजिक किया है अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बैन जन सियोक ने और प्रोडक्शन कंपनीज इस मूवी के रियलाइज पिक्चर्स, डेक्स्टर स्टूडियोज और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को लॉटे एंटरटेनमेंट ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का 20 दिसंबर 2017 और रनिंग टाइम इस मूवी का 140 मिनट्स। बजट की बात करें इस मूवी को 18.3 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 109.4 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। उसके आगे बात करें इस मूवी के कास्ट की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में प्ले किया है। सबसे पहले लीडिंग रोल में जो मेन एक्ट्रेस हैं उनमें हा जुंग वू ने गैंग रिम का करैक्टर प्ले किया है, सा ताई ह्यून ने किम जा होंग का करैक्टर प्ले किया है, जू जी हून ने हाई वॉन मार्क का करैक्टर प्ले किया है, किम ह्यांग गी ने ली ड्योक च्यून का करैक्टर प्ले किया है इस मूवी में। सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में किम डोंग वूक देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कि किम सू होंग का करैक्टर इस मूवी में प्ले किया है, दो क्यूंग सॉ ने प्राइवेट वॉन डोंग जियोन का करैक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के जॉनर की तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी एक फैंटेसी एक्शन फिल्म है और यह मूवी साउथ कोरिया की मूवी है। ओरिजिनल लैंग्वेज इस मूवी का कोरियन है लेकिन आपको यह मूवी काफ़ी डब्ड वर्जन्स में भी देखने को मिल जाएगी। और आपको बता दें कि इस मूवी का सीक्वल 2019 में शेड्यूल हुआ था लेकिन 2018 में रिलीज़ हो गया था जिसका नेम अलॉन्ग विद द गॉड्स द लास्ट 49 डेज मूवी है, वो इस मूवी का सीक्वल है। और आपको बता दें कि यह मूवी अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स
थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है साउथ कोरियन की सिनेमा हिस्ट्री में। इसके आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को 7.2 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है आईएमडीबी पर और लगभग 17,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को आईएमडीबी पर। उसके आगे बात करें कि इस मूवी कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो, सो इस मूवी को आप काफ़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो, जैसे कि अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो और इस मूवी को आप एप्पल टीवी पर भी देख सकते हो। सो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ज़रूर से देख लेना, आपको काफ़ी पसंद यह मूवी आएगी। और आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को देखना पसंद करते हैं, सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू हम देने वाले हैं, आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी ने किया था। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सबसे पहले डायरेक्टर की बात कर लेते हैं तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को डायरेक्ट किया है किम योंग हवा ने और स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है किम योंग हवा ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को किम योंग हवा ने, वॉन डोंग योन ने, किम हो संग ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में हा युन वू और चा ताई ह्यून, यू जिन हून, किम यांग गी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमेटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी में सिनेमेटोग्राफी की है किम ब्योंग सियो ने और एडिट किया है इस मूवी को किम हाई जिन ने, जिनो किम ने, नैम ना यंग ने। म्यूजिक किया है अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बैन जन सियोक ने और प्रोडक्शन कंपनीज इस मूवी के रियलाइज पिक्चर्स, डेक्स्टर स्टूडियोज और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को लॉटे एंटरटेनमेंट ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का 20 दिसंबर 2017 और रनिंग टाइम इस मूवी का 140 मिनट्स। बजट की बात करें इस मूवी को 18.3 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 109.4 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। उसके आगे बात करें इस मूवी के कास्ट की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में प्ले किया है। सबसे पहले लीडिंग रोल में जो मेन एक्ट्रेस हैं उनमें हा जुंग वू ने गैंग रिम का करैक्टर प्ले किया है, सा ताई ह्यून ने किम जा होंग का करैक्टर प्ले किया है, जू जी हून ने हाई वॉन मार्क का करैक्टर प्ले किया है, किम ह्यांग गी ने ली ड्योक चून का करैक्टर प्ले किया है इस मूवी में। सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में किम डोंग वूक देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कि किम सू होंग का करैक्टर इस मूवी में प्ले किया है, दो क्यूंग सॉ ने प्राइवेट वॉन डोंग जियोन का करैक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के जॉनर की तो अलॉन्ग विद द गॉड्स
टू वर्ल्ड्स मूवी एक फैंटेसी एक्शन फिल्म है और यह मूवी साउथ कोरिया की मूवी है। ओरिजिनल लैंग्वेज इस मूवी का कोरियन है, लेकिन आपको यह मूवी काफ़ी डब्ड वर्जन्स में भी देखने को मिल जाएगी। और आपको बता दें कि इस मूवी का सीक्वल 2019 में शेड्यूल हुआ था, लेकिन 2018 में रिलीज़ हो गया था, जिसका नेम अलॉन्ग विद द गॉड्स द लास्ट 49 डेज मूवी है, वो इस मूवी का सीक्वल है। और आपको बता दें कि यह मूवी अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है साउथ कोरियन की सिनेमा हिस्ट्री में। इसके आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को 7.2 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है आईएमडीबी पर, और लगभग 17,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को आईएमडीबी पर। उसके आगे बात करें कि इस मूवी कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो, सो इस मूवी को आप काफ़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो, जैसे कि अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और इस मूवी को आप एप्पल टीवी पर भी देख सकते हो। सो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ज़रूर से देख लेना, आपको काफ़ी पसंद यह मूवी आएगी। और आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को देखना पसंद करते हैं, सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू हम देने वाले हैं, आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी ने किया था। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सबसे पहले डायरेक्टर की बात कर लेते हैं, तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को डायरेक्ट किया है किम योंग हवा ने, और स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है किम योंग हवा ने, और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को किम योंग हवा ने, वॉन डोंग योन ने, किम हो संग ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में हा युन वू और चा ताई ह्यून, यू जिन हून, किम यांग गी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेते हैं, तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है किम ब्योंग सियो ने, और एडिट किया है इस मूवी को किम हाई जिन ने, जिनो किम ने, नैम ना यंग ने। म्यूजिक किया है अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बैन जन सियोक ने, और प्रोडक्शन कंपनीज इस मूवी के रियलाइज पिक्चर्स, डेक्स्टर स्टूडियोज़, और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को लॉटे एंटरटेनमेंट ने, और रिलीजिंग डेट इस मूवी का 20 दिसंबर 2017, और रनिंग टाइम है इस मूवी का 140 मिनट्स। बजट की बात करें, इस मूवी को 18.3 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 109.4 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। उसके आगे बात करें इस मूवी के कास्ट की, कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में प्ले किया है। सबसे पहले लीडिंग रोल में जो मेन एक्ट्रेस हैं उनमें
हा जुंग वू ने गैंग रिम का करैक्टर प्ले किया है। सा ताई ह्यून ने किम जा होंग का करैक्टर प्ले किया है। जू जी हून ने हाई वॉन मार्क का करैक्टर प्ले किया है। किम ह्यांग गी ने ली ड्योक चून का करैक्टर प्ले किया है इस मूवी में। सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में किम डोंग वूक देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि किम सू होंग का करैक्टर इस मूवी में प्ले किया है। दो क्यूंग सॉ ने प्राइवेट वॉन डोंग जियोन का करैक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के जॉनर की तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी एक फैंटेसी एक्शन फिल्म है और यह मूवी साउथ कोरिया की मूवी है। ओरिजिनल लैंग्वेज इस मूवी का कोरियन है, लेकिन आपको यह मूवी काफ़ी डब्ड वर्जन्स में भी देखने को मिल जाएगी। और आपको बता दें कि इस मूवी का सीक्वल 2019 में शेड्यूल हुआ था, लेकिन 2018 में रिलीज़ हो गया था, जिसका नेम अलॉन्ग विद द गॉड्स द लास्ट 49 डेज मूवी है, वो इस मूवी का सीक्वल है। और आपको बता दें कि यह मूवी अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है साउथ कोरियन की सिनेमा हिस्ट्री में। इसके आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को 7.2 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है आईएमडीबी पर, और लगभग 17,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को आईएमडीबी पर। उसके आगे बात करें कि इस मूवी कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो, सो इस मूवी को आप काफ़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो, जैसे कि अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और इस मूवी को आप एप्पल टीवी पर भी देख सकते हो। सो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ज़रूर से देख लेना, आपको काफ़ी पसंद यह मूवी आएगी। और आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को देखना पसंद करते हैं, सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू हम देने वाले हैं, आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी ने किया था। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सबसे पहले डायरेक्टर की बात कर लेते हैं तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को डायरेक्ट किया है किम योंग हवा ने, और स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है किम योंग हवा ने, और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को किम योंग हवा ने, वॉन डोंग योन ने, किम हो संग ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में हा युन वू और चा ताई ह्यून, यू जिन हून, किम यांग गी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है किम ब्योंग सियो ने, और एडिट किया है इस मूवी को किम हाई जिन ने, जिनो किम ने, नैम ना यंग ने। म्यूज़िक किया है अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बैन जन सियोक ने,
और प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी की, रियलाइज पिक्चर्स, डेक्सटर स्टूडियोज़, और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को लॉटे एंटरटेनमेंट ने, और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 20 दिसंबर 2017, और रनिंग टाइम है इस मूवी का 140 मिनट्स। बजट की बात करें इस मूवी के 18.3 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 109.4 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। उसके आगे बात करें इस मूवी के कास्ट की, कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर इस मूवी में प्ले किया है। सबसे पहले लीडिंग रोल में जो मेन एक्ट्रेस हैं उनमें हा जुंग वू ने गैंग रिम का कैरेक्टर प्ले किया है, सा ताई ह्यून ने किम जा होंग का कैरेक्टर प्ले किया है, जू जी हून ने हाई वॉन मार्क का कैरेक्टर प्ले किया है, किम ह्यांग गी ने ली ड्योक च्यून का कैरेक्टर प्ले किया है इस मूवी में। सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में किम डोंग वूक देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि किम सू होंग का कैरेक्टर इस मूवी में प्ले किया है। दो क्यूंग सॉ ने प्राइवेट वॉन डोंग जियोन का कैरेक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के जॉनर की, तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी एक फैंटेसी एक्शन फिल्म है, और यह मूवी साउथ कोरिया की मूवी है। ओरिजिनल लैंग्वेज इस मूवी का कोरियन है, लेकिन आपको यह मूवी काफ़ी डब्ड वर्जन्स में भी देखने को मिल जाएगी। और आपको बता दें कि इस मूवी का सीक्वल 2019 में शेड्यूल हुआ था, लेकिन 2018 में रिलीज़ हो गया था, जिसका नेम अलॉन्ग विद द गॉड्स द लास्ट 49 डेज मूवी है, वो इस मूवी का सीक्वल है। और आपको बता दें कि यह मूवी अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है साउथ कोरियन की सिनेमा हिस्ट्री में। इसके आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को 7.2 out of 10 का रेटिंग मिला है आईएमडीबी पर, और लगभग 17,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को आईएमडीबी पर। उसके आगे बात करें कि इस मूवी कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो, सो इस मूवी को आप काफ़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो, जैसे कि अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और इस मूवी को आप एप्पल टीवी पर भी देख सकते हो। सो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ज़रूर से देख लेना, आपको काफ़ी पसंद यह मूवी आएगी। और आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़, मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में। यह मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को देखना पसंद करते हैं, सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू हम देने वाले हैं, आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी ने किया था। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो। सबसे पहले डायरेक्टर की बात कर लेते हैं, तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी को डायरेक्ट किया है किम योंग हवा ने, और स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है किम योंग हवा ने,
और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को किम योंग हवा ने, वॉन डोंग योन ने, किम हो संग ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में हा युन वू और चा ताई ह्यून, यू जिन हून, किम यांग गी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमेटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी में सिनेमेटोग्राफी की है किम ब्योंग सियो ने और एडिट किया है इस मूवी को किम हाई जिन ने, जिनो किम ने, नैम ना यंग ने। म्यूजिक किया है अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बैन जन सियोक ने और प्रोडक्शन कंपनीज इस मूवी की रियलाइज पिक्चर्स डेक्स्टर स्टूडियोज़ और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को लॉटे एंटरटेनमेंट ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का 20 दिसंबर 2017 और रनिंग टाइम है इस मूवी का 140 मिनट्स। बजट की बात करें इस मूवी को 18.3 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 109.4 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। उसके आगे बात करें इस मूवी के कास्ट की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में प्ले किया है। सबसे पहले लीडिंग रोल में जो मेन एक्ट्रेस हैं उनमें हा जुंग वू ने गैंग रिम का करैक्टर प्ले किया है, सा ताई ह्यून ने किम जा होंग का करैक्टर प्ले किया है, जू जी हून ने हाई वॉन मार्क का करैक्टर प्ले किया है, किम ह्यांग गी ने ली ड्योक च्यून का करैक्टर प्ले किया है इस मूवी में। सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में किम डोंग वूक देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कि किम सू होंग का करैक्टर इस मूवी में प्ले किया है, दो क्यूंग सॉ ने प्राइवेट वॉन डोंग जियोन का करैक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के जॉनर की तो अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी एक फैंटेसी एक्शन फिल्म है और यह मूवी साउथ कोरिया की मूवी है। ओरिजिनल लैंग्वेज इस मूवी का कोरियन है लेकिन आपको यह मूवी काफ़ी डब्ड वर्जन्स में भी देखने को मिल जाएगी। और आपको बता दें कि इस मूवी का सीक्वल 2019 में शेड्यूल हुआ था लेकिन 2018 में रिलीज़ हो गया था जिसका नेम अलॉन्ग विद द गॉड्स द लास्ट 49 डेज मूवी है, वो इस मूवी का सीक्वल है। और आपको बता दें कि यह मूवी अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है साउथ कोरियन की सिनेमा हिस्ट्री में। इसके आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को 7.2 out of 10 का रेटिंग मिला है आईएमडीबी पर और लगभग 17,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को आईएमडीबी पर। उसके आगे बात करें कि इस मूवी कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप काफ़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो जैसे कि अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो और इस मूवी को आप एप्पल टीवी पर भी देख सकते हो। सो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ज़रूर से देख लेना, आपको काफ़ी पसंद यह मूवी आएगी। और आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें।